तस्य पञ्चाभवन् पुत्रा कन्यका च वरानिनम्। महाराज भीष्मक जी के पांच पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। एक बेटी है रुक्मणी, शादी योग्य हो गई है। एक दिन ब्रह्मभाट लोग आए, जिन्हें हम लोग शूद मागत बोलते हैं। भगवान कन्हैया का चित्र लिए थे और भगवान का चित्र दिखा रहे हैं, कह रहे भैया हम द्वारकापुरी गए, भगवान ने हमको ये दान दिया, भगवान ने हमको ये वस्त्र दिए, और भगवान का चित्र दिखा रहे हैं। उस भगवान कन्हैया के चित्र पर रुक्मणी मैया की नजर पड़ गई, आज भगवान को देखते ही अपना पति मान बैठी। जब पति मान बैठी तो उठते बैठते सोते जगते बस भगवान को याद करती है। महाराज भीष्मक जी कहते हैं, बेटों से बेटा कोई अपनी बहन के लिए घर वर ढूंढो, तो बड़ा बेटा रुक्मी कहता था, पिताजी मैं अपनी बेटी की शादी अपने साले शिष्यपाल के साथ में करूंगा। कोई कहता है जरासंध के साथ में करूंगा। छोटा बेटा कहता था, अरे पिताजी अगर मेरी बहन की शादी कन्हैया के साथ में हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। रुक्मी कहता था, अरे उस कन्हैया के साथ में मैं अपनी बहन की शादी कभी नहीं कर सकता हूं। शिष्यपाल के यहाँ निमंत्रण पत्र भेज दिया है रुक्मी ने। शिष्यपाल बारात सजा करके आ गए। आज रुक्मणी मैया परेशान थी, हे कन्हैया अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं किसी को अपना वर नहीं भरूंगी। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। भगवान श्याम सुंदर उधर सब कुछ देख रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, रुक्मणी मैया ने कहा, पंडित जी हमारा पत्र लेकर के आप चले जाओगे? पंडित जी कहने लगे, रुक्मणी हड्डियों का सांचा ढांचा है, कैसे जाऊंगा? अरे ब्राह्मण देवता चले जाओ ना। आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर देखते हैं, पंडित जी के लिए व्यवस्था कर दी रुक्मणी मैया ने और पत्र लिख दिया है। वो पत्र पंडित जी को दे दिया और कहा, पंडित जी हमारे कन्हैया को पत्र देना। पंडित जी पत्र लेकर के चले। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया एक ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, उनको ला करके आप द्वारकापुरी में कर दो। योग माया ने उठाया, पंडित जी को द्वारकापुरी में कर दिया। भगवान कन्हैया के महलों में ब्राह्मण देवता पहुंचे। आज उसी समय भगवान कन्हैया को वो पत्र थमा दिया पंडित जी ने। भगवान ने जब पत्र पढ़ा, उस पत्र में रुक्मणी मैया ने लिख दिया था, अरे कन्हैया अगर आप हमें लेने नहीं आए तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। अगर तुमने हमें नहीं अपनाया तो मैं ये जीवन समाप्त कर दूंगी, किसी के साथ में वर नहीं भरूंगी, किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। भगवान कन्हैया देखते हैं रुक्मणी परेशान है। सुबह हुआ, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया और पंडित जी को रथ में बिठा लिया। भगवान कन्हैया बोले, पंडित जी आप कोई भजन गा लेते हो? पंडित जी बोले, हाँ हाँ कन्हैया बहुत अच्छा गाते हैं। तो भगवान कन्हैया बोले, तो अरे पंडित जी फिर एक भजन सुनाइए। तो पंडित जी भगवान की ओर देख करके मन में विचार करने लगे, वो तेरे नैना बड़े रसीले, वो मोटे मोटे बड़े कटीले। अच्छा, मोटे मोटे का मतलब जानते हो? मेरे कन्हैया के नेत्र यानी मोटे मोटे यानी बहुत बड़े बड़े हैं।
किसी किसी का चेहरा चाहे भले ही अच्छा ना हो लेकिन आंखें बहुत अच्छी हुआ करती हैं। मेरे कन्हैया के नेत्र कहना नैना आपके जो नैनों में बस गया भोजन है गयो पार। मेरे कन्हैया के नेत्र नौका यानी नाव के समान है और नाव का काम क्या होता है? नदी से इस पार से उस पार करना। मेरे कन्हैया की नौका के समान नेत्रों में जो प्राणी बस जाता है बैठ जाता है ना वो भवसागर से पार हो जाता है।